फिर कोचिंग वगैरह देख के मैं वापस चला गया बैंगलोर। ओके, फिर मैं रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये मतलब मन में क्यों आया कि रिजाइन करना है? आपकी तैयारी पहले कैसी थी? बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, तो एक एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब वो अच्छा डिसीजन था या गलत उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब अगर एक इंजीनियर है और उसकी पढ़ाई लिखाई है ठीक ठाक तो वो निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, बट उससे पहले हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं नितेश को, और नितेश PNB में IT ऑफिसर हैं और दिल्ली हेड ऑफिस में पोस्टेड हैं। ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं। और लंबे समय से इस मुलाकात के लिए हम वेट कर रहे थे, बिकॉज जब एक सेलेक्टेड स्टूडेंट, वो भी जो 2 साल काम कर चुके हैं, वो अपना एक्सपीरियंस और सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया और किस तरह से इस पोजीशन पे ये पहुंचे, जब आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा इनपुट और इनसाइट मिलेगा। तो इसीलिए आज जो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का सेशन है, उसमें हमने नितेश को इन्वाइट किया है और नितेश के साथ बातचीत करेंगे इनकी पूरी जर्नी के बारे में। आपके जो सवाल हैं उन सवालों को पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। जो नितेश को जरूरी लगेगा एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए, वो भी सारी बातचीत होगी। तो शुरू करते हैं सेशन को। नितेश, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। यस सर, थैंक यू सो मच। तो आपका सिलेक्शन किस साल में हुआ था? सर 2022 में। ओके, और फॉर्म आया था 2021 में। तो थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। जी सर, स्कूलिंग कैसी थी आपकी? कहाँ से हैं आप? थोड़ा बैकग्राउंड बताइए अपने बारे में, परिचय दीजिए थोड़ा। मैं तो बेसिकली भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, सो मेरी स्कूलिंग में मैंने सेंट जेवियर स्कूल साहिबगंज झारखंड से किया हुआ है। ओके, 2012 आई वाज, मतलब मैंने पास आउट किया था वहाँ पे। आई वाज फ्रॉम ICSE बैकग्राउंड। ओके, तो फिर मैंने, फिर उसके बाद मैंने प्लस टू रांची से किया, DAV कपिल देव रांची। ओके, CBSE था। फिर मैंने उसके बाद फिर मैं बैंगलोर चला गया बीटेक के लिए। ओके, 2018 में मैं पास आउट था बैंगलोर। स्ट्रीम क्या थी आपकी? कंप्यूटर साइंस। ओके, फिर जब 18 में पास आउट हो गया था तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। सो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर वहाँ पे था, मतलब जॉब में, और मैंने करीबन 1.5-2 साल वहाँ जॉब किया था। उसके बाद मैं जनवरी 2020 में मैं दिल्ली आया था। ओके, मतलब रिज़ाइन करने से पहले कि एक बार मुझे पता करें कि क्या कोचिंग में दिल्ली का। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि, मैं बस राकेश यादव सर को जानता था। अच्छा, कि प्रूडेंस कोचिंग थी, यहाँ पढ़ाते हैं। मुझे करियर व्हील के बारे में कुछ नहीं पता था, तो करियर व्हील उसमें शुरू भी नहीं हुआ था। शुरू मतलब 2018 में ही मेरे पहले बैच के साथ शुरू हुआ था, अक्टूबर 2018 सर। तो मेरे जूनियर्स भी थे, तो बोले कि नितेश एक बार करियर व्हील का ना, ये करियर व्हील प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर्स, तो भी थोड़े अच्छे, मतलब रीजनेबल रेट में आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, तुम ट्राई करके देखो, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम ट्राई करना। तो मैं फिर कोचिंग वगैरह देख के मैं वापस चला गया बैंगलोर। ओके, फिर मैं रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये मतलब मन में क्यों आया कि रिज़ाइन करना है? सर मैं चाहता था कि डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर करूँ, क्योंकि मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में मन नहीं लग रहा था या क्या था? नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा वहाँ पे नहीं था एग्जैक्टली, मतलब प्रेशर तो था कॉर्पोरेट में, लेकिन ऑफिस आके फिर तैयारी करना, एक मतलब मैं चाहता था कि पूरे डेडिकेटेड वे में तैयारी करूँ, मतलब मन शिफ्ट हो गया था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। मुझे प्रिपेयर था मन कि मुझे करना है इधर। फिर मैंने जब वापस गया यहाँ से दिल्ली से, तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और वो तो कोइंसिडेंस था, जब मैंने रिज़ाइन किया उसके बाद लॉकडाउन लग गया। दैट वाज लाइक, अब वो अच्छा डिसीजन था या गलत उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं घर आ गया था वापस, फिर उस समय इतनी अनसर्टेनिटी थी कि बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा था कि, अब वो तो सभी के जीवन में अनसर्टेनिटी था, किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने तो जॉब छोड़ दिया था, वो भी प्रेशर, सबको बोल रहे थे कि रिज्वाइन कर लो, क्योंकि 6 मंथ्स होता है, आप रिज्वाइन कर सकते हैं वापस, और उस समय तो वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन था। एक्जेक्टली, तो वो भी था। तो फिर तो आई थिंक फैमिली से भी प्रेशर रहा होगा कि बेटा मीटर तो चलता रहता कम से कम। एग्जैक्टली, थोड़ा था, मतलब बहुत अंदर से वो कुछ पॉजिटिविटी था नहीं उस समय। फिर मैं करियर व्हील प्लेटफॉर्म से मैंने SSC का क्लासेस ज्वाइन किया पहले। ओके, मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया, मैंने सारे टीचर्स के, तो फिर उसके बाद मुझे बहुत कुछ चीज़ें SSC के बारे में पता चली कि कैसे एग्जाम्स डिलेड हो रहे हैं। बहुत उस समय स्ट्राइक्स होते थे, मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि क्या है। बिल्कुल, तो ऐसे करते करते ना अक्टूबर नवंबर आ गया, तो मुझे बहुत अंदर से ना प्रेशर लग रहा था कि इस साल तो मेरा मतलब ख़त्म हो गया है, और कोविड भी था, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर क्या। फिर मैंने ना तुरंत अपना शिफ्ट कर दिया पूरा, जो मैंने SSC के छोड़ के फिर मैंने सीधा बैंकिंग का तैयारी करने लग गया। फिर मैंने देखा कि, फिर मैं आपसे कैरियर से आपका भी बैच ज्वाइन किया, फिर मैंने रेगुलर क्लासेस वगैरह किया। फिर जब 2021 आया, तैयारी सही चल रही थी, फिर सेकेंड वेव आ गया। उस समय बहुत डिस्टर्ब रहा, सबको ही रहा, हम भी रहे। फिर उस समय पर डर बन गया था कि इस साल एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे।
तो सब कुछ कुछ जो प्लान वे में था कुछ चल नहीं रहा था। फिर लेकिन मैं प्रिपरेशन में था ही, तो चलो प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम्स तो होंगे। फिर एग्ज़ाम्स अगस्त 2021 के बाद सारे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो गए थे लाइनअप एक के बाद एक, जो डिले हुआ था इसलिए सब लाइनअप हो गए। मैंने हर एक दो हफ्ते पे एक प्रीलिम्स दे रहा हूँ, ऐसा हो गया था। तो मैं एक समय फ्लो में भी था पूरा, और फिर करते करते हाँ फिर लास्ट में इस एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुआ। ओके मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, एक आपने जो मुझे एक्सेल शीट दिखाई थी जी सर, कुल आपने 15 एग्ज़ाम्स लिखे और एक साल के अंदर अंदर, और शुरू में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहे थे, और इसमें प्रीलिम्स भी किया, मेंस भी किया, और फाइनल सिलेक्शन लिया इंटरव्यू करके। तो एक मैंने इसलिए किया था क्योंकि सर एक साल तो लगा था, जब ये लास्ट एग्ज़ाम था आई वॉज़ नॉट श्योर कि चलो सब कुछ तो हो गया है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही है। तो एक एज अ उसको बोल सकते हैं कि आप एक ड्राफ्ट कर लिए लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पता चल गया कि कितने नंबर से आप शॉर्टेस्ट में थे, तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ज़रूरी है वो चीज़ देखना, तो वो मैंने एक लिस्ट बना लिया था एक्सेल में। नहीं वही यही बात मैं क्लास में जो बच्चे अभी भी पढ़ते हैं उनको कहता हूँ, क्योंकि एक साल में आपको इतने सारे एग्जाम्स मिलते हैं 12 से 15, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश ने पूरी एक्सेल शीट बनाई है, काम करते हुए 2 साल हो गए, इन्होंने मुझे भेजा भी था, आपको मैं प्रोडक्शन टीम को बोल दूंगा, वो दिखाएंगे अभी कि किस एग्ज़ाम में कितना कट ऑफ आया, कहाँ ये फेल हुए। शुरू में लगातार रेड लाइन है, और उसके बाद जब सिलेक्शन लेना शुरू किया तो लगातार सिलेक्शन लिया। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी एग्ज़ाम में असफलता मिले तो परेशान नहीं होना, जैसे इन्होंने कहा स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है yes. कि अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ है तो उसमें कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आपको रिडीम करने का फिर एक मौका मिलता है, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में पूरे साल में अगर आप देखो तो 12 से 15 एग्ज़ाम है, तो जो पीछे की गलती है उसको सुधारने का मौका हमें ज़रूर मिलता है। आई थिंक सब स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए, क्योंकि ठीक है बहुत लोग का पैलेटेड में हो जाता है, लेकिन बहुत लोग का नहीं होता है, तो नहीं होता है। एक चेकलिस्ट टाइप का रख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर दिए क्यों रह गया। अरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, एक्जैक्टली सिलेक्शन होना सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपकी काबिलियत का प्रमाण है वो कि उस जिस दिन आपने पेपर लिखा उस दिन आप कैसे माइंडसेट में थे, आपकी तैयारी पहले कैसी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक आईटी ऑफिसर हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं, क्योंकि वो भारी संख्या में बच्चे आपको दिख रहे हैं और जॉब की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं अभी, अगर हम टीयर 2 टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, तो वो बच्चा किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है, क्या प्रक्रिया है, पेपर का क्या पैटर्न है, थोड़ा इसके बारे में आप गाइड कर दो। IBPS SO IT ऑफिसर में बेसिकली 3 राउंड है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज 1 मार्क्स ईच है, और इंग्लिश का है 0.5 मार्क्स, तो टोटल 125 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, और टाइमिंग इसमें आई थिंक 2 आवर्स है पेपर का। ओके, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक रहता है, मतलब बाकी जो IBPS PO का पेपर उससे थोड़ा लेवल अच्छा रहता है, लेवल ठीक रहता है, PO लेवल का है तो वहाँ पे रहता है। और मेंस में एक ही पेपर होता है कोर का, जैसे IT का है तो IT रिलेटेड ही है, 45 मिनट्स का होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है, सारे MCQs होते हैं और एक इंटरव्यू। तो जो मेंस का है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को चेक कर रहे हैं। थोड़ा हाँ वो आपको मतलब टू वेरी बोल सकते हैं डिफिकल्ट लेवल नहीं है एक पेपर। कट ऑफ कितना गया था आपके साल में? सर मेरे साल में तो बहुत कम था, 60 में 10.25 जनरल का कट ऑफ। हाँ जनरल का कट ऑफ, ओके, जनरल OBC 10.25 था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या, मतलब 60 में 10.25। हाँ तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड था। और लेकिन मतलब अगर एक इंजीनियर है और उसकी पढ़ाई लिखाई है ठीक ठाक तो वो निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, बट उससे पहले मैंने तो प्रीलिम्स हर्डल है, क्योंकि प्रीलिम्स में 125 मार्क्स में एटलीस्ट आपको 70 मार्क्स तो स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ उसके आसपास ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रीलिम्स है वो बाकी SO के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पे होता है। हाँ, थोड़ा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इंजीनियर्स हैं तो क्वेश्चंस ड्यूएबल भी है। हाँ, ड्यूएबल भी है, और तो चॉइस ऑफ सिलेक्शंस पे कुछ भी होता है, तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चंस को अच्छे स्ट्रेटजी से करेंगे तो वो हो जाएगा। बिल्कुल वही सिलेक्शन ऑफ ड्यूएबल क्वेश्चन, पेपर को स्कैन करो कर सकते हो आप आसानी से। एग्जैक्टली, तो मतलब यहाँ पे मेंस में बाकी सारे पेपर नहीं लिखने हैं, नहीं ओनली एक पेपर। हाँ तो भाई इंजीनियर्स ध्यान से आप सुन लें, IT ऑफिसर एक अच्छा मौका है एंट्री का, आपको प्रीलिम्स का पेपर लिखना है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग की प्रिपरेशन आप वैसे भी करते हो यहाँ भी है, और बाकी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज एक बार सिलेबस देख लो, मेंस में वो है, और उसके बाद आप इंटरव्यूज़ के लिए जनरली प्रिपेयर होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यूज़ और इन चीज़ों की होती है, बाकी हम हैं ये गाइड करने के लिए आपको, तो एक अच्छा मौका है। अभी PNB में कुछ और वैकेंसीज निकली अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर IBPS SO के एडवर्टाइजमेंट तो निकल गया है, तो उसमें आई थिंक PNB ने रिपोर्ट किया है कुछ वैकेंसी, बाकी सारे बैंक्स भी रिपोर्ट कर देते हैं, धीरे धीरे उसमें ऐड होता रहेगा। अच्छा वैकेंसीज पे बात ध्यान में आ रही है कि बहुत सारे लोगों के मन में
ये होता है कि अच्छा बैंक में वैकेंसीज आएंगी कि नहीं अगले साल। अब जैसे इस साल अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो 20,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं, IBPS RRB, IBPS क्लर्क और PO की आ चुकी है। मीडिया में आ चुका है कि SBI जो है वो करीब 15,000 से करीब वो रिक्रूट करने वाले हैं, तो संभावना तो अच्छी दिख रही है। अभी इस साल तो 35 से 40 हज़ार है। एग्जैक्टली आप क्योंकि सिस्टम के अंदर हो तो क्या लग रहा है, मतलब रिटायरमेंट हो रही है? हाँ सर, मतलब वैकेंसीज आएंगे अभी, हाँ मतलब ये स्टूडेंट्स को ये माइंड में नहीं रखना चाहिए कि वैकेंसीज अगले साल आएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल वैकेंसीज आ रही है और बैंक्स रिपोर्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट है ज़्यादा सारे बैंक्स में, हाँ बीइंग इट PO, क्लरिकल और SO, क्योंकि इसीलिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप कोई बैंकिंग की तैयारी करता है PF, देयर आर वेरी अदर एग्जाम्स ऑल्सो लाइक इंश्योरेंस के भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाता है कि आप मल्टीपल, जैसे मैंने ही इतने सारे एग्जाम्स दिए क्योंकि सारे का पैटर्न सेम था, पैटर्न सेम है, पेपर इसीलिए सेम है। तो वहाँ पे थोड़ा यूज टू हो जाएंगे स्टूडेंट्स, देते देते उसको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे तो क्या है। क्लरिकल में भी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं, इंसेंटिव्स जी हैं वहाँ पे, इंश्योरेंस के हिसाब इंश्योरेंस से सेक्टर में अच्छा है। अच्छे हैं। और SBI भी करीब आई थिंक 1,000 के करीब अपने ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं अभी, SBI का क्योंकि बैंक इसीलिए उन्होंने वो रिक्रूटमेंट का दिया था रिक्रूटमेंट कि एग्जैक्टली हमें ज़रूरत है लगातार। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा था शायद कि BTech वाले को ज़्यादा वो लेंगे, तो शायद हो सकता है कि SO की वैकेंसीज भी इंक्रीज SROs हो। की वैकेंसीज इंक्रीज हो, हाँ वही है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्डन बढ़ रहा है जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, वही हर जगह चर्चा होती है कि वर्क बैंक में जी सर, वर्कलोड ज़्यादा है। आपका वर्कलोड कैसा है यहाँ पे हेड ऑफिस में? कंपेरेटिवली ठीक है, मॉडरेट है ओके, इस कंपेयर टू PO। लोड कहाँ पे ज़्यादा होता है जनरली? सर ब्रांचेज में थोड़ा तो ज़्यादा लोड है क्योंकि कस्टमर डीलिंग है वहाँ पे, बिल्कुल तो थोड़ा प्रेशर है वहाँ पे ब्रांचेज। बिल्कुल और IT में एक फ़ायदा है जॉब करने का, क्योंकि या तो सर्कल जोनल या हेड ऑफिस में ही पोस्टिंग उससे होती है, बिल्कुल तो वहाँ कस्टमर डीलिंग नहीं है, थोड़ा कंपेरेटिवली आई कैन से लेस इन कंपेरिजन टू PO। ओके, फेयर इनफ। सो अब मुझे लगता है कि ये जब ब्रांचेस बढ़ेंगी जो अभी वर्कलोड है वो थोड़ा कम होगा, एग्जैक्टली स्टाफ क्योंकि शॉर्टेज तो है अभी ब्रांचेज में हाँ थोड़ा। अभी सैलरीज का क्या स्ट्रक्चर है अभी, बाई पार्टिसन, 12th बाई पार्टिसन मीटिंग के बाइपार्टल बाद? सेटलमेंट हो गया है तो हाँ अभी है सैलरी, मतलब कोई न्यू ज्वाइनी भी ज्वाइन कर रहा है तो उसकी ग्रॉस ऑलमोस्ट लाइक 80 के आसपास हो जाएगी। ओके, मतलब जो अगर कोई IT ऑफिसर बन रहा है। हाँ मतलब विंग इट PO और SO एंट्री लेवल में भी है लाइक, और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी स्पॉट्स ऑल्सो जो भी, वो तो सैलरी के अलावा है। अच्छा आपकी CTC कितनी हो रही है अभी टोटल, अगर अगर सब? कोई मेट्रो सिटी में पोस्टेड है विंग इट PO और SO हाँ, तो उसकी CTC अराउंड 14 to 15 लाख पर एनम हो जाएगा। हो जाएगा 14। हाँ सैलरी में PO और SO के कोई कोई डिफरेंस नहीं डिफरेंस है है नहीं। बिल्कुल, लेकिन वही है कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आपके पास एक अच्छा मौका हाँ होता है IT ऑफिसर के लिए BTech होना ज़रूरी है फ्रॉम IT या या कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ओके वहाँ पे दिए हुए हैं 4-5 ब्रांचेस को रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, ओके, वो इसमें जा जा सकते हैं। सकते हैं। और कौन कौन से SOs हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिस? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, मार्केटिंग है, लॉ ऑफिसर है, ठीक है, और एक राजभाषा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी हिंदी हाँ ऑफिसर जिसको बोलते हिंदी, हैं तो वो जो भी है। लोग मतलब हिंदी में या इंग्लिश में हाँ एग्जैक्टली MA हैं, हिंदी में मास्टर्स वो हैं, कर वो जा सकते सकते हैं, हैं। तो वो भी एक है, 5-6 कैटेगरी है इसकी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन मोड पे, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से एनालिटिकल अप्रोच से अपनी परफॉर्मेंस को भी देखा, असेस किया। तो अगर कोई एक फ्रेशर बच्चा है उसको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो वो आसानी से कर सकता है, सर क्योंकि पहले मन में ये होता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल हायर होता है, लेकिन अगर हाँ सिस्टमेटिक करे तो कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि बैंकिंग का पेपर हार्ड आता है, हाँ ये सबके एक कॉमन, ये तो मिथ है मतलब। लेकिन आई विल रिकमेंड कि पहले स्टूडेंट्स को अपना स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देख लेना चाहिए कि मतलब बिल्कुल मेरा मेरा बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। जैसे आई वॉज फ्रॉम ICSE बैकग्राउंड, तो मुझे उतना टाइम नहीं लगा चीज़ें कैचअप करने में, बिल्कुल क्योंकि था क्योंकि एक इंग्लिश भी ठीक था, मैथ्स एंड रीजनिंग तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है, तो जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स अपना सेल्फ प्रिपरेशन में लगाना ज़रूरी है कि हम कितना, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि मतलब हमसे एक सवाल बन रहा है उसके बाद पता चल जाता है। उसके बाद ही अगर मैं देखता हूँ कि अगर 6 मंथ्स को डेडिकेटेड वे में दिया, अगर बैंकिंग को अच्छे से है, उसका बेसिक्स क्लियर है, एनफ है वो एग्ज़ाम निकालने के लिए एनफ। हाँ रेगुलरली पढ़ाई ज़रूरी है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर करना ही है, और मार्क्स तो देना ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले प्रिपरेशन कर लीजिए उसके बाद मॉक स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे मतलब बच्चा BA का है, BSc का है, मतलब नॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड, इंजीनियर नहीं है वो, उम्र भी उसकी 21-22 साल है, वो पहले अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन लेता है। ये चीज़ें प्रूफ करती हैं कि जो पेपर का पैटर्न है अगर आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो कोई मुश्किल नहीं कुछ है। नहीं है सर, वही सब पूरा प्रैक्टिस का सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैंने भी क्लासेस तो काफ़ी किए, लेकिन सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है ही, जरूरी वही है जो क्योंकि जो इधर से भेजा जा रहा है, अगर आप उसको पचा नहीं पाओगे, क्योंकि उस पर वो काम नहीं क्योंकि करोगे मुझे तो और स्टूडेंट से मैं रिकमेंड करूंगा जिसके बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो वो
थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें घर में, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एग्जाम्स में थोड़ा से मॉडरेट लेवल में आते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पैनिक करके वो एग्जाम वो नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपका मैं भी याद है, जैसे बैंकिंग का स्पेशल बैच में था तो आप थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कराते थे। आज भी मेरे पास सारे PDF सेव्ड है, मैंने okay. तो वो नोट्स बने हुए हैं। हाँ, मैंने सारे नोट्स अच्छे से रखे हुए हैं, क्योंकि और क्योंकि अगर कोई मॉडरेट लेवल घर में प्रिपरेशन करे तभी उसको पेपर ईजी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और क्लास में जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो वो उसी को ग्रेड पैटर्न कहा जाता है कि भाई बेसिक लेवल करो, फिर मॉडरेट और फिर हाई लेवल। अब मैं कैट के क्वेश्चंस भी कराता था, याद होगा, क्लरिकल पेपर इजी ही आता है, नो डाउट, उसमें स्पीड चाहिए क्लरिकल के एग्जाम्स में। लेकिन PU में पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, तो थोड़ा उसमें चाहिए प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा। बिल्कुल, तो वो एक चीज़ है, वही जब आपकी पूरी तैयारी है ना बेसिक से लेकर के एडवांस तक, तो फिर बीच में कहीं कोई दिक्कत आती नहीं, सारा सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। सो कुछ और बताना चाहते हैं नितेश, जो मतलब हमारी इस बातचीत में रह गया और आपको लगता है कि भाई बच्चों के लिए ज़रूरी है? नहीं, क्लियर। अगर मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि मतलब थोड़ा पेपर अगर बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो सारे फॉर्म्स आप पढ़िए। बिल्कुल, वो ये नहीं माइंड में रखना है कि मैंने निकलेगा या नहीं, क्रैक होगा पाएगा नहीं, उससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स यूज टू हो जाते हैं एग्जाम्स देने में। बिल्कुल, और प्रैक्टिस काफ़ी, वो डर हटाना बहुत ज़रूरी है, जाके सेंटर पर बैठ के एग्ज़ाम देना और घर में एग्ज़ाम देना दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंट थिंग। घर पर आराम से मॉक देते हैं हम लोग, रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन वहाँ जाके सिचुएशन अलग होती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इतने मौके मिलते हैं ना पूरे साल, इतने एग्जाम्स हैं, कैलेंडर भी जनवरी में आ जाता है जी, तो अगर आप नियमित रूप से सिस्टमेटिक प्रिपरेशन में लग जाएं तो कहीं ना कहीं लैंड जरूर कर जाएंगे। और सारे जो मिथ्स थे वो भी तोड़ दिए नितीश ने, देखिए अब सैलरी भी अच्छी हो गई, पहले वो शिकायत थी थोड़ी, सैलरी पॉक्स अच्छे हो गए, 14 से 15 लाख के CTC पे पैकेज पे इस समय है नितीश तो, और ये सरकारी नौकरी में है, ये कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है। और साथ ही साथ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बैंक्स लगातार वैकेंसीज निकाल रही हैं, जो भी सरकारी बैंक है उनका नेटवर्क बढ़ रहा है, तो अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए, बहुत जल्दी आप भी किसी न किसी बैंक में क्लर्क PO या SO के रूप में नियुक्त होंगे। और लगातार इंटरनल एग्जाम्स के जरिए भी, जैसे JIB होता है, CIB होता है, एडिशनल इंक्रीमेंट्स, एडिशनल इंक्रीमेंट कितनी मिलती है, एडिशनल इंक्रीमेंट वो डिपेंड करता है सर, जैसा स्केल है आपका, जिस स्केल पे, मतलब फिर भी रेंज आई थिंक 10 से 15 हज़ार 10K तक, 10K तक, CIB भी है तो टोटल 3 इंक्रीमेंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आउट ऑफ टर्न भी जाकर के आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इवन क्लरिकल वाला बंदा भी मुझे लगता है इंटरनल एग्जाम से पहुंच सकता है, ये नहीं कि आपको वेट करने का इतने साल के बाद ही आप अगले लेवल पे जाओगे। तो एक अच्छा करियर है, प्रॉमिसिंग करियर है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के हम पार्ट हैं और इकोनॉमी का बेस होता है बैंकिंग और फाइनेंस, तो अगर आप उस सेक्टर के पार्ट हैं तो डेफिनेटली आपकी भी ग्रोथ होगी। इस ग्रोथ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।